दिशांग फ्रॉम दिशांग लॉ एकेडमी। आज हम करेंगे आपका चैप्टर 10 से रिलेटेड एमसीक्यूज, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस से, और धारा 144 आपने सुना होगा, उनसे रिलेटेड ये डील करता है कि पब्लिक न्यूसेंस हो जाए तो उसको मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को क्या पावर होती है। हु मे कमांड फॉर एनी एनी अनलॉफुल असेंबली टू डिस्पर्स, यानी कि अगर मान लीजिए कोई अनलॉफुल असेंबली हुई है तो उसे डिस्पर्स, उसे तितर बितर करने का ऑर्डर कौन दे सकता है। तो इससे रिलेटेड आपके जो दे रखे हैं, आपका दे रखा है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नहीं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इस सेक्शन में कहीं पर भी यूज नहीं होगा। तो आंसर है ए और सी, ठीक है, ए और सी आंसर है इसका, तो यानी कि डी आंसर है इसका, इसका आंसर है डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट द कॉम्पिटेंट टू यूज सिविल फोर्स फॉर डिस्पर्स ऑफ असेंबली अंडर सेक्शन 129। 129 क्या कहता है, 129 कहता है डिस्पर्स ऑफ असेंबली पर यूज सिविल फोर्स, तो सिविल फोर्स में आपका इनमें से कौन यूज कर सकता है। अगेन आपका इस विच इज नॉट, हु इज नॉट, हु इज नॉट, यहाँ पर हमें नो वाला ढूंढना है, यानी कि ये सारे तो यूज कर सकते हैं, आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो आंसर हमें यहाँ पर नॉट ढूंढना था, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को डिस्पर्स करने की पावर नहीं है। द कंडीशनल ऑर्डर पास बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 133 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कैन नॉट बी चैलेंज इन सिविल कोर्ट, दिस स्टेटमेंट इज, क्या अगर मान लीजिए कोई भी आपका ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो क्या उससे रिलेटेड आपकी सिविल कोर्ट में जा सकती है, सॉरी कैन नॉट बी चैलेंज इन सिविल कोर्ट, यानी कि वन सेक्शन पहले हम ये चलते हैं, सेक्शन 133 कहता है, ये कहता है कि कंडीशंस, कंडीशंस ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, मतलब कंडीशंस आपकी रिमूवल हो जाए, ठीक है, कुछ पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड आपने हटाया। इसमें देखो होता क्या है कि अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस होती है तो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्टेट गवर्नमेंट या पुलिस के पास पावर है, ठीक है, कि वो पब्लिक न्यूसेंस को हटा देगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब ये क्या कह रहा है, द कंडीशनल ऑर्डर पास, अगर एक कोई कंडीशनल ऑर्डर पास करा है, ठीक है, बाय द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात करिए, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात करिए, ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कैन नॉट बी चैलेंज, उसका जो ऑर्डर है कैन नॉट बी चैलेंज इन सिविल कोर्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इज यस, ये इसका करेक्ट है, इसके सिविल कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या है बी, ठीक है, सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता। अब है 509 क्या कहता है आपका, 509 कहता है हु इज अथॉरिटी फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करवाने की पावर किसके पास है, इसका आंसर है आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी पावर है आपका न्यूसेंस क्लियर करवाने की, ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आर्म्ड फोर्स कैन बी यूज डिस्पर्स असेंबली मेंटेन अ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, मतलब अगर मान लीजिए कि आपका कोई कोई फोर्स निकल रही है डिस्पर्स करवाने की, उसको कौन सी वाला सेक्शन बात करा है, तो इसका आंसर है आपका डी 130। 130 क्या कहता है कि 130 कहता है यूज ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली, यूज ऑफ आर्म फोर्स यानी कि आर्म का, CRPF और इन चीजों का भी यूज कर सकते हैं असेंबली को डिस्पर्स करवाने के लिए आर्म फोर्सेस का। 129 बात करता है डिस्पर्स ऑफ असेंबली यूज फॉर सिविल फोर्स, सिविल फोर्स यूज कर सकते हैं, पुलिस वुलिस का यूज कर लिया। 131 बात करता है आपका कि पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर टू डिस्पर्स असेंबली, यानी कि वो सर्टेन असेंबली को यूज करने के लिए, और 132 बात करता है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट डन अंडर द प्रोसीडिंग सेक्शंस, अगर इसके लिए प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है, ये कुछ, ये 507 ऐसी है। अंडर विच ऑफ द सेक्शन CRPC कंडीशंस ऑर्डर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस कैन बी इशूड, अब ये जो पब्लिक न्यूसेंस का जो ऑर्डर है वो कौन से सेक्शन में आपका आएगा, तो इसका आंसर है 133 में कंडीशनल ऑर्डर पास करा जाता है, ठीक है। 110 आपका अलग चीज की बात करता है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर हैबिचुअल ऑफेंडर की। 130 बात करता है आपका यूज ऑफ आर्म फोर्स की डिस्पर्स आर्मी की, और 134 बात करता है आपका सर्विस ऑफ नोटिफिकेशन ऑर्डर्स की, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है सी, ठीक है, 510 का आंसर क्या है सी। अब 500 कह रहा है हु इज एम्पावर्ड टू रिमूव न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133, किसके पास पावर है रिमूव करवाने की न्यूसेंस की, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, तो आंसर है डी, ठीक है, तो इसका आंसर है डी। अ कंडीशनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ द पब्लिक न्यूसेंस
अंडर विच में भी पास्ट, अब कौन पास कर सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है, आपका सब डिविजन मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है डी, सारे मजिस्ट्रेट कर सकते हैं जितने भी ऊपर बात करेंगे 507 के। ठीक है, अब बात करते हैं हम 512 के, हु इज एम्पावर्ड टू पास ऑर्डर अंडर सेक्शन 133। 133 में कौन किसके पास पावर है उसको देने का, तो क्या कोर्ट के पास पावर है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है ओनली, तो 133 की जो पावर है वो आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है। ठीक है, डीएम के पास भी नहीं है, सी आंसर है इसका। ठीक है, 133 बात क्या करता था, कंडीशनल ऑर्डर टू फ्रॉम रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, न्यूसेंस को रिमूव करवाना, तो यहाँ पर दिल्ली में ये दिल्ली जुडिशरी में आया था ये क्वेश्चन। हु इज अ कॉम्पिटेंट टू इशू अ कंडीशनल ऑर्डर टू फ्रॉम रिमूवल, वही अगेन क्या कौन कौन कर सकता है कंडीशनल ऑर्डर जो है वो कौन कौन कर सकता है, तो यहाँ पर आंसर है ऑल द अबव, ये जितने भी हैं यहाँ पर ऑल द अबव आंसर है। ठीक है, आपका यहाँ पर देखना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं होगा क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 514 की, फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 133 देयर शुड बी द इनकन्वीनियंस इन्वर्जन ऑन, क्या चीज आपका देखनी चाहिए कि पब्लिक राइट का वॉयलेट हो रहा है या क्या चीज वॉयलेट हो रही है, पब्लिक प्लेस की वॉयलेशन, क्योंकि 133 बात करता है आपका कंडीशनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, अब वो न्यूसेंस जो होगी वो कहाँ पर है, अगर वो पब्लिक प्लेस में तो ही हो सकता है, प्राइवेट राइट है तो वो अलग बात है, यहाँ पे सिर्फ पब्लिक न्यूसेंस के लिए रिलेटेड है। कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 क्रिमिनल प्रोसीजर आर टू बी पास बाय दी, अब इसका कंडीशनल ऑर्डर कौन पास करेगा, ऑफिस ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नहीं, सब डिविजन मजिस्ट्रेट यस, यहाँ इसका आंसर है सी, तो 515 का आंसर क्या है सी। ठीक है, इसका आंसर है सी, कुछ नहीं है। सॉरी, फॉर इनवोकिंग सेक्शन ये वही बात है, बट नॉट बी इनकन्वीनियंस, नॉट बी इन, अब देखो यहाँ पर तो देखो क्या कितना जल्दी कर दिया, वे शुड बी इनकन्वीनियंस और यहाँ कहते हैं नॉट इनकन्वीनियंस, अब यहाँ नॉट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन इन्होंने अलग कर दिया, तो इसका आंसर क्या होगा प्राइवेट वाला। ठीक है, देखो यहाँ क्या कहा है कि इनकन्वीनियंस अगर पब्लिक प्लेस में तो ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या करते हैं नॉट इनकन्वीनियंस, तो अगर मान लीजिए कोई पब्लिक और प्राइवेट राइट है वहां पर ये नहीं लगता, 133 पब्लिक प्राइवेट राइट में नहीं लगता, ये देखो एक नॉट ने कितना चेंज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी ग्रांट कंडीशनल ऑर्डर ऑफ इसका 519 में, तो इसका कंडीशनल ऑर्डर आपका डीएम कर सकता है, एसडीएम कर सकता है और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है, पर आपके ये एनी मजिस्ट्रेट यानी कि आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 519 का ए, और इसका आंसर क्या था सी, क्योंकि यह प्राइवेट प्लेस और प्राइवेट पर्सन की बात करता है। अंडर विच ऑफ द कंडीशन क्रिमिनल प्रोसीजर मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन, मजिस्ट्रेट लोकल इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर किस में दे सकता है, तो वो दे सकता है आपका ये कहाँ गया 520, 139 में। ठीक है, 139 में लोकल इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है, 133 में आपका कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकता है रिमूवल का, 145 में आपका पोजेशन से रिलेटेड कोई विवाद होता है किस जगह का उसका डिसीजन दे सकता है मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और 147 आपका बात करता है यदि व्यक्ति पोजेशन में, तो पोजेशन का क्लेश नहीं है यूज का क्लेश है तो उससे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका 520 का डी। ठीक है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में प्रिवेंट इन्वायरमेंट पोल्यूशन, अब इनमें से कौन से आपके सेक्शन में बताया गया कि वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिस्ट्रिक्ट में प्रिवेंट इन्वायरमेंट पोल्यूशन कौन से सेक्शन में वो कर सकते हैं, तो आपका इसका आंसर है बी। ठीक है, 133, ठीक है, कंडीशनल ऑर्डर पा सकते हैं पब्लिक न्यूजेंस को रिमूव करवाने के लिए। 151 बात करता है आपका कि 151 बात करता है अरेस्ट और प्रिवेंट ऑफ कमीशन से रिलेटेड और बाकी सारे अलग है, पब्लिक न्यूसेंस इसी सेक्शन में आता है 133, वो इन्वायरमेंट से डील वही करता है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। 521 बात करता है विच ये भी कुछ नहीं है विच बट अंडर वट वट अप्रोप्रिएशन अ सेक्शन मजिस्ट्रेट में इशू अ ऑर्डर ऑफ इंजेक्शन ऑर्डर्स, इंजेक्शन ऑर्डर्स वो किस सेक्शन में दे सकता है, तो 521 की बात करी गई है, 142 में इंजेक्शन ऑर्डर पास करता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट जो होगा यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलो उन्हीं की बात हुई है, जो इंजंक्शन ऑर्डर होता है कि बिल्कुल हटाने की बात है वो सेक्शन 142 में दे सकता है, वो इंजंक्शन ऑर्डर मतलब यानी कि कार्य पेंडिंग, इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी पेंडिंग है पर हटाना जरूरी है तो वो 142 में दे
दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपका इफ अ पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज अपियर एंड शो कॉज नोटिस शो अगेंस्ट द ऑर्डर द मैजिस्ट्रेट शेल। अब क्या करेगा इसमें, ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? इसका आंसर है कि वो टेक एविडेंस, एविडेंस लेगा इन द मैटर एज इन द सम्मन केसेस, और वो ऐसे लेगा जैसे सम्मन केसेस की प्रोसीडिंग्स हो। ठीक है, तो उसके केस को कैसे ट्रायल करेगा? सम्मन केसेस की तरह ट्रायल करेगा मैजिस्ट्रेट। अब बात करते हैं हम आपका अंडर सेक्शन 142 ऑफ सीआरपीसी। अब मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर टू इशू, क्या कर सकता है? 142 में इंजंक्शन पेंडिंग ऑर्डर्स है तो वो कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैजिस्ट्रेट हैव पावर टू प्रोहिबिट रेपिटेशन और कंटिन्यूशन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस? कौन सा मैजिस्ट्रेट को यहाँ पावर है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर है, सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर है। तो 124 कहाँ है? 124 आपका सी में है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, ये कुछ नहीं है, 526 का है ऑर्डर ऑफ अंडर सेक्शन 144 जुडिक्शन ऑन द वॉयलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स, इससे रिलेटेड जो केस है ये थोड़ा सा हम मिट गया है। ठीक है, इसका आंसर सी है। ठीक है, इसका है केस का नाम था गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, गुलाम अब्बास वर्सेस अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी से रिलेटेड केस था। नॉट अंडर सेक्शन 144 बात करता है आपका पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस अपेरेंट डेंजर्स, मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा खतरा था, 144 लग जाती है। ठीक है, तो ये कितने टाइम तक भी फोर्स में रिमेन इन फोर्स में रहता है, मतलब कितने टाइम तक ये उसमें रहता है? 527। ठीक है, तो इसका आंसर है 2 मंथ, यानी कि 2 मंथ के लिए रहता है रिमेन इन फोर्स। ठीक है, और आगे एक्सटेंड भी हो सकता है, पर सर्कमस्टांसेस अलग होंगे। तो जो द्वारा 144 लगती है वो 2 महीने के लिए लगती है, शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 मंथ्स, 2 मंथ से ज़्यादा। ठीक है, अब बात करें क्रिमिनल हु हैज़ नो पावर टू इशू, क्रिमिनल प्रोसेस कोड हु हैज़ नो पावर टू इशू एन ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अपीयरेंट डेंजर। ठीक है, कौन मैजिस्ट्रेट नहीं पास कर सकता? नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिखा है नो, कौन नहीं पास कर सकता आपका? एस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेक्शन 144, ये भी इसका भी रेलिवेंस नहीं है। 528 बात करता है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वैलिडिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडेट, कौन सा धारा 144 को वैलिडिटी देता है कि हाँ ये वैलिड है? ठीक है, ये मधु लिमने वर्सेस एसडीएम मैंगलोर वाले केस में होता है। ठीक है, इस केस में बताया गया था कि ये रेलिवेंट है। अ मैजिस्ट्रेट हैज पावर टू डील विद द अर्जेंट केस अप्रीहेंशन डेंजर न्यूसेंस, अब मैजिस्ट्रेट अप्रीहेंशन डेंजर्स है तो उससे कौन से रिलेटेड सेक्शन डील करता है आपका? 144। ठीक है, 144 आपका अर्जेंट अप्रीहेंशन है तो वहाँ पर करेगा, 133 डिस्पर्स करेगा, 145 आपका बात करता है कि मुद्दा है पोजेशन से रिलेटेड उसको डील करेगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब 525 बात करता है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है? तो सीधा आंसर है इसका आपका सी। ठीक है, यहाँ पर आंसर वो डिस्प्लेस हो गया, बहुत 1 और 2 सही है, यानी कि 1 क्या कह रहा है, सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज अ वाइडर एंड मोर जनरल सेक्शन ऑफ 145, यानी कि 144 आपका वाइडर है एज कम्पेयर टू 145। ठीक है, एंड सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर इज अ डिस्क्रिशनरी वेयर एज सेक्शन 145 क्रिमिनल कोड इज मैंडेटरी। 144 आपका मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी है और 145 आपका इसकी मैंडेटरी है। ठीक है, ये लिखा है ना, हाँ 145 मैंडेटरी है, 145 मैंडेटरी है और 144 क्या है आपका? डिस्क्रिशनरी है। ठीक है, उनके ऊपर पावर। अब बात करते हैं 530 की, एनी पब्लिक न्यूसेंस ऑर्डर मेड अंडर द प्रोहिबिट कैरी आर्म्स पोजेशन इन मास ड्रिल शैल रिमेन इन फोर्स ऑफ 2 मंथ्स, मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 मंथ्स होना चाहिए, 3 मंथ्स। अगर आर्म ड्रिल है, देखिए आर्म नॉर्मल है, धारा 144 का नॉर्मल है तो 2 महीने का है। ठीक है, और अगर 3 वैसे है तो शैल रिमेन इन द फोर्स नॉट मोर देन 3 मंथ्स, तो इसका आंसर क्या है? 3। ठीक है, 3 महीने तक का रहता है। अ ग्रुप ऑफ मिलिट्री सर्टन कॉम्युनल, अब यहाँ पर कुछ कॉम्युनल थे वो कर रहे थे, तो इसका आंसर सीधा ही पढ़ते हैं कि बहुत बड़ा है।
तो इसका आंसर है सी, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में नेसेसरी प्रोहिबिट एक्टिविटी प्रिजर्वेशन लगा सकता है, कौन से में, धारा 144 में, ठीक है। और अगर मिलिट्री मिलिट्री वाला चक्कर है आपका, तो 144A में भी यूज कर सकता है अपनी पावर को, 144A, 144A। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144C आर पोजिशन रिमेन इन फोर्स 2 मंथ्स बट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग, अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आती है तो सरकार कितने महीने से ज्यादा, देखिए 2 महीने से ज़्यादा तो वो कर ही नहीं सकता, ठीक है, धारा 144। बट अगर ज़्यादा जरूरत पड़ जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक और एक्सटेंड करा जा सकता है। तो 534 का आंसर है बी, ये 6 मंथ्स में भी करा जा सकता है, ठीक है। एन एग्जीक्यूट मजिस्ट्रेट में एक्ट इवन एक्स पार्टी ऑर्डर, सेक्शन 144 में वो एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास कर सकता है, ठीक है। इफ द इमीडिएटली प्रिवेंशन ऑफ स्पीडी रेमेडी इज डिजायरेबल, तो इसका आंसर होगा आपका डी, ऑन एनी वन ऑल ऑफ द अबव ग्राउंड्स, कोई भी जो अबव ग्राउंड्स दे रखे हैं उनमें, कि अगर कोई बहुत जरूरत है प्रिवेंट करना है, ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म होना है, अनोइंस खत्म करनी है, डेंजर को खत्म करना है, ह्यूमन लाइफ को खतरा है, हेल्थ को खतरा है, डिस्टर्बेंस होगी पब्लिक पीस को, फिर या रॉइड्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, इन ग्राउंड्स के ऊपर आपका वो कर सकता है, तो इसका आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्ट ऑफ, विच इज नॉट ए एक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ 144, इसमें हमें नॉट ढूंढना है, ठीक है, इसमें हमें नॉट वाली सिचुएशन ढूंढनी है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, नहीं इनमें कोई दे ही नहीं रखा, ये सारे के सारे ठीक है, तो इसका आंसर है डी। डिस्टर्बेंस पब्लिक ट्रैंक्विलिटी पे भी रुक सकता है, एनी पर्सन लॉफुल एम्प्लॉयड है, अनॉइंस पैदा कर रहा है, इंजरी है, तो इन सिचुएशन पे धारा 144 लग सकती है, ठीक है, पर वो मास में होनी चाहिए। 533 5 क्या कह रहा है, 535 कह रहा है कि आपका पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन पोजेशन ऑफ मास ड्रिल एंड ट्रेनिंग विद आर्म्स, मतलब आप मास ड्रिल नहीं कर सकते आर्म्स के साथ, ठीक है। तो 1535 क्या कह रहा है, इसका आंसर सीधा प्रत्येक सिख एनेबल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रोहिबिट एनी मास, मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो आपका प्रोहिबिट कर सकता है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका आंसर ए है। अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस ऑन एप्रीहेंशन डेंजर फॉल्स अंडर विच, अब यहाँ पर देखिए अगर कोई अर्जेंट ऐसा एप्रीहेंशन है, खतरा है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका बात करता है सेक्शन 144, हमने पढ़ा था अर्जेंट है तो 144 से रिलेटेड बात कर रहा है। 146 बात कर रहा है पावर टू अटैच सब्जेक्ट डिस्प्यूट अपॉइंट रिसीवर, ऐसे रिसीवर अपॉइंट करने की बात कर रहा है। 142 बात कर रहा है आपका कि इंजंक्शन पेंडिंग ऑर्डर पास कर सकता है, इंजंक्शन पेंडिंग ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। और 140 बात कर रहा था आपका पावर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका 144 यानी कि बी। हाउ हु मे ऑर्डर टू प्रिवेंट एप्रीहेंशन, कौन एप्रीहेंशन का ऑर्डर पास कर सकता है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अब, ठीक है। हु मे ऑर्डर टू प्रिवेंट एप्रीहेंशन, अब ये एप्रीहेंशन का ऑर्डर कौन सकता है, ऑल द अबव सारे दे सकते हैं, तो इसका ऑल द अबव होगा, इसका आंसर है डी, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स, इस सारी स्टेटमेंट्स को हमें देखना है, इनमें हमें बताना है सबसे सही स्टेटमेंट कौन सी है, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। 1 एंड 3, 1 एंड 3 की एक बार पढ़ लेते हैं। द वर्ड सेक्शन 145 आर मैंडेटरी, 145 एंड 107 द प्रोसीडिंग इन द सेक्शन 107 कैन बी कन्वर्ट इन टू 145, 107 की प्रोसीडिंग 145 में कन्वर्ट हो सकती है, यानी जुडिशरी में इनका क्या काम। फॉर वट टाइम ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 144 कर सकता है, कितने मंथ तक रिमेन में रहता है, ठीक है, ये आपका रिमेन में रहेगा 2 मंथ्स तक, ठीक है, पर एक्सटेंड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट 6 महीने और। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द सेक्शन 144, 144 से रिलेटेड केस कौन सा है आपका, यहाँ पर स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस परवीन तगोतिया, तगोतिया वाला केस। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन पुट अ पार्टी इन पोजेशन इन मूवेबल प्रॉपर्टी, अब वन इससे रिलेटेड आपका है आंसर, इफ दैट पार्टी इज डिस्पोजेस्ड अनलॉफुली, ठीक है, देखिए डिस्पोजेस करेगी ये अनलॉफुली तो 145 डील करता है, ठीक है। और अगर पोजेशन का लेना देना नहीं है और नॉर्मल सब्जेक्ट है कि कौन यूज करेगा उसका, ठीक है, तो 147 डील करता है। अब सेक्शन अंडर सेक्शन 145 एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्टी इज टेक इन द फॉलोइंग, 145 जो होता है वो रिमेन टेक्स कब तक आपका उसमें रहता है,
तो ये इसका आंसर है आपका 2 months, ठीक है, 2 months तक रहता है, तो इसका आंसर बी है, ठीक है। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अब ये कौन कर सकता है? 543 पुलिस ऑफिसर, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो किसकी रिपोर्ट पे एक्ट करेगा? पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट पे, ठीक है, जो जो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट बना के देगा वो, ठीक है। 544 कह रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 1 इज अ वार्ड ऑफ डेंजर और ब्रीच ऑफ पीस इज नॉट टू डिटरमाइन द टाइटल, ये चीज किस केस में आई थी आपका? बी में, ठीक है, नंदीराम वाले केस में आई थी, नंदीराम वैसे चंदी चांदीराम के में। अब थोड़ा सा जल्दी बढ़ेंगे, इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 145 प्रायर पोजेशन इज टेकन कंसिडरेशन विद दैट पीरियड, कितने टाइम तक? 2 महीने तक, ठीक है, तो 545 का आंसर क्या होगा आपका? 2 months, ठीक है, 145 के तहत 2 month तक रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी हैव द पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन पोजेशन, कौन रुकवा सकता है? तो इसका आंसर है आपका सी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओनली, ठीक है। 550 बात करता है आपका कि अंडर विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी कैन बी पार्टली अप्रोच एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड प्रे फॉर ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग इनिशिएट अंडर सेक्शन 145, किसमें वो प्रेयर कर सकता है कि जो उसके खिलाफ 145 की प्रोसीडिंग हुई है उसको ड्रॉप करा जाए? तो वो प्रे करेगा कि उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग हुई है वो 145(5) सब क्लॉज 5 में एप्लीकेशन लगा सकता है। 145, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी, इसमें से क्या उसका ऑब्जेक्ट है? टू फाइनलाइज द डिस्प्यूट रिलेटिव प्रॉपर्टी, टू सेटल द क्वेश्चन, टू फाइनल टू प्रीच और प्रीच तो यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्ट है वन सेक्शन 145 का, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ पीस, मतलब किस तरह से ब्रीच ऑफ पीस को रोका जाए, मतलब जो पीस बनाए रखे। रिविजन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय सब डिविजन मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 145(6)(c) इन द कोर्ट, किसकी कोर्ट में पास होगी आपका जो इसकी जो एप्लीकेशन लगेगी? सेशन जज, ठीक है, अपील जो जाती है वो हमेशा सेशन जज के पास जाएगी, ठीक है। अंडर सब सेक्शन 1 सेक्शन 146 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट में अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, इफ कौन सी चीज को अटैच कर सकता है 146 में? पावर टू अटैच सब्जेक्ट डिस्प्यूट और उस रिसीवर अपॉइंट कर सकता है, तो 551 का आंसर है आपका सी, ठीक है, इसका आंसर है सी। ही इज अनेबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ देम वाज इन, मतलब अगर वो मजिस्ट्रेट 145 में ये डिस्कस नहीं कर पा रहा कि पोजीशन किसको दे, तो अगर वो डिस्कस नहीं कर पा रहा कि पोजीशन ए के पास रहना चाहिए या बी के पास रहना चाहिए, तो पोजीशन वो रिसीवर को दे देगा अंडर वन अंडर सेक्शन 146। अब 549 बात करता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन रिस्पेक्ट प्रोसीडिंग, तो इसको हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसका आंसर है डी। अ मैजिस्ट्रेट मे ड्रॉप अ प्रोसीडिंग इमीडिएटली आफ्टर फेलिंग अ सिविल सूट बाय पार्टी एग्री प्रिलिमिनरी ऑर्डर्स पास, ठीक है, तो यहाँ पर डी आएगा। यहाँ पर हमें नॉट ढूंढना था, तो ये नॉट है क्योंकि चैलेंज हो नहीं सकता वो ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिस्प्यूट रिलेटेड लैंड और वाटर अंडर सेक्शन 145, इसका आंसर है आपका डी, ऑल द अबव इससे रिलेटेड डील कर सकता है। डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू कलेक्ट, कलेक्ट से रेंट, कलेक्ट से रिलेटेड है प्रॉपर्टी से रेंट कौन कलेक्ट करेगा, पोजेशन का डिस्प्यूट है, ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप से रिलेटेड डिस्प्यूट, राइट ऑफ फिशरी किसका राइट है फिशरी करने का, इन सब से रिलेटेड विवाद है, तो सेक्शन 145 में डिस्कशन हो सकता है और 146 में आपका रिसीवर अपॉइंट हो सकता है। एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द पोजेशन ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी इट डिसाइडेड बाय, आपका इससे रिलेटेड कभी आएगा तो कौन करेगा? एट जुडिशियल, इसका आंसर है वैसे सी, ठीक है, सी इसका आंसर है। अब बात करें सेक्शन 154, इसको आप ऐसे स्टॉप करके पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आंसर है सब डिविजन मजिस्ट्रेट, ठीक है, ऑन द बिजी इंजंक्शन ऑफ रोड इनको कौन करेगा? एसडीएम भी करेगा, ठीक है, एक बार पढ़ लेते करेगा, ऑन द बिजी इंजंक्शन ऑफ रोड ह्यूज पोस्टर बैनर इंस्टॉल बाय एसोसिएट इन क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्रैफिक द फॉर्म ऑफ ऑन हैविंग इंफॉर्मेशन में रिमूव सच बैनर, तो ये इसके रिमूव करवाने के कौन ऑर्डर देगा आपका? सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा, ठीक है, एसडीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नीचे होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो।